एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बाइक किन्सु से पूछती है कि क्या तुम उसमें सिलेक्ट हो पाए हो या फिर नहीं हो पाए हो। ये सुनकर मिंग्यू काफ़ी गुस्से में सोच रही होती है कि ये सिलेक्ट हो जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। वहीं पर किन्सु उससे कह रहा होता है कि मैं सिलेक्ट ना हो पाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैंने तो फर्स्ट प्लेस जीता है, बाकी के 17 सनअप गोर तो मेरे ओपोनेंट होने के वर्दी भी नहीं थे और मास्टर ऊ ने यानी कि मास्टर पक्षी ने स्पेशली मुझे युवान पल रिवॉर्ड के तौर पर दे दिए हैं। ये सुनकर बाइक काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहती है कि मैंने सुना है कि वो तो एम्प्लॉयर का पर्सनल पोजीशन में से एक था, जल्दी से उसे बाहर निकालो, मैं उसे अभी देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर मिंग्यू अपने मन में कह रही होती है अरे कितना फेंकेगा, तुम्हें क्या लगता है कि बाकी के सन ऑफ गॉड वहाँ पर सिर्फ तुम्हारा शक्ल देखने गए थे और तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें युवान पल मिल गया है जो कि एम्परर का था, कमोन कुछ और बोल लेते तो मैं मान भी सकती थी। तभी वहाँ पर 14th सन ऑफ गॉड झू वेबा आ जाता है, उसे देखकर गाओ थोड़ा सा घबरा जाता है। 14th कहता है कि तुम लोगों को ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ फर्स्ट प्लेस और युवान पल जीतने के लिए बधाई देने आया हूँ। ये सुनकर मिंग्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या कहीं मेरा कान खराब तो नहीं हो गया है ना। वहीं पर 14th कह रहा होता है कि मैं हमेशा से जानता था कि आपको फीमेल्स के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि इसमें तो आप सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्रिंसेस तो खुद ही यहाँ पर नील डाउन की हुई है। तभी किन्सु उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर आई क्यों हो, वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर अपना कर्ज उतारने आया हूँ। किन्सु गाओ से कहता है कि कुछ देर पहले 9th प्रिंसेस ने जो कंपनसेशन दी थी उसे जाकर दे दो। गाओ उसे पूरे 20% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देने लगता है, लेकिन वो उसे लेने से मना करते हुए कहता है इतना काफ़ी नहीं है। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा हिचकते हुए कहता है आखिर आपका मतलब क्या है, वो कहता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, इंटरेस्ट 20% सही है लेकिन ये एनुअल इंटरेस्ट नहीं है। गाओ कहता है कि एनुअल इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ, मंथली इंटरेस्ट भी चलेगा। 14th कहता है क्या मंथली इंटरेस्ट, क्या तुम मेरे बिजनेस करने के तरीके को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। ये सुनकर गाओ कहता है कि अगर ये डेली इंटरेस्ट रेट है तो ये थोड़ा सा काफी ज्यादा हो जाएगा। तभी 14th चिल्लाते हुए और हंसते हुए कहता है कि मेरा इंटरेस्ट रेट है 20% हर घंटे का। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा चौंक जाता है और काफी ज्यादा भड़क भी जाता है। 14th कहता है कि मैं अपने तरीके से बिजनेस करता हूँ। ये सुनकर किन्सु उससे कहता है तो इसका मतलब तुम अभी तक पिटाई भी नहीं खाए हो। 14th थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन तभी तक बाई वहाँ पर आकर अपने लकड़ी के हैमर से उस पर हमला करते हुए कहती है कि मुझे चीट करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन उसका सर को तो कुछ भी नहीं होता है बल्कि उससे उसका हैमर ही टूट जाता है। ये देखकर वो कहती है कि आखिर तुम्हारा सर इतना ज्यादा मजबूत कैसे है। वहीं पर इसके कारण 14th काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो उससे कह रहा होता है कि मुझ पर हमला करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी किन्सु उसे वापस आने के लिए बोलकर कहता है कि 7th प्रिंस तो एक ही बार में बेहोश हो गया था, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 14th तुम्हारा सर सच में काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं पर वेबा चिल्लाते हुए कहता है कि किन्सु अब तुम्हारे ऊपर मेरा 1,13,200 स्पिरिचुअल स्टोन का कर्ज है, या तो पैसा दो या फिर अपना वो युवान पल दे दो, नहीं तो आज तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मिंग्यू काफी ज्यादा खुश होकर सोचने लगी होती है अब तो किन्सु का बच्चा गया, अपने कल्टीवेशन लेवल के कारण वो किन्सु को तो सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर सकता है, अब तुम्हारे एम्बेरस चेहरा देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वहीं पर किन्सु आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो इसका मतलब तुम यहाँ पर मुझसे युवान पल लेने आए थे। वो चिल्लाते हुए कहता है तो क्या हो गया, आज तक मुझे किसी ने भी पीटा नहीं है लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं मार खा गया हूँ, अगर आज तुम मुझे वो प्राइस पे नहीं करते हो जो कि मुझे सेटिस्फाई कर दे तो मुझे ब्लेम मत करना तुम्हें एक फैमिली मेंबर के जैसा नहीं सोचने के लिए। किन्सु उसके तरफ और आगे बढ़ते हुए कहता है क्या कभी पिटाई नहीं खाए हो, तो इसका मतलब तुम अभी तक मुझसे नहीं मिले हो। वो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या अब तुम मुझसे कम्पीट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना, अगर तुम ऐसा करोगे तो शर्म के मारे छुपाने के लिए तुम्हारा चेहरा ही नहीं बचेगा। वहीं पर किन्सु कह रहा होता है कि तुम्हें ये युवान पल चाहिए ना, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे हवा में उड़ा देता है। ये देखकर मिंग्यू सोचने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, उसके बाद हार जाओगे और उसके बाद तुम्हारा काफी ज्यादा इंसल्ट होगा, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा डरपोक होगे कि अपने आप ही युवान पल उसे दे दोगे, तुम तो एक नकली गॉड हो और वो भी बिना किसी डिग्निटी के। वहीं पर 14th काफी ज्यादा खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तभी किन्सु युवान पल का यूज करके उस पर काफी जोरदार हमला कर देता है, जिसे देखकर मिंग्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं पर वेबा खुद को संभालते हुए कह रहा होता है कि स्नीक अटैक करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किन्सु कहता है कि किसने कहा कि मैंने तुम पर अटैक किया है, मैं तो तुम्हें पीटूंगा। ये बोलकर वो उस पर एक बार और अटैक कर देता है और कहता है क्या हो गया, इससे पहले क्या तुम कभी पिटाई नहीं खाए हो क्या, कोई बात नहीं आज तुम्हें इसका भी टेस्ट पता चल ही जाएगा। वहीं पर ये सब देखकर मिंग्यू काफी हैरानी से सोच रही होती है कि वेबा को किन्सु ने कितना आसानी से पीट कर रख दिया है, कहीं मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं हो रही है ना। वहीं पर किन्सु उससे पूछता है क्या तुम अब कन्विंस हो गए हो, वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर किन्सु फिर से उस पर अटैक कर देता है जिससे वो खून की उल्टी कर देता है और वो उससे विनती करने लगा होता है कि प्लीज रुक जाओ मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। किन्सु कहता है ठीक है मैं रुक जाता हूँ, वैसे भी मैं एक रीजनेबल पर्सन हूँ, मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ। और उसे युवान पल देते हुए कहता है क्या तुम्हें ये अभी भी चाहिए, वो कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी किन्सु उससे पूछता है कि मेरा कर्जा का क्या हुआ, वेबा कहता है कि मुझे अब इंटरेस्ट नहीं चाहिए बस मुझे मेरा प्रिंसिपल दे दो। ये सुनकर वो उसे फिर से युवान पल देने लगता है
मतलब कि उसे डराने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर कर चिल्लाने लगा होता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ सेटल हो गया है। किन्सु कहता है कि अब जबकि मेरा डेब्ट सेटल हो ही गया है तो अब मैं वो डेब्ट को सेटल करूंगा जो कि तुम ओ करते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, क्या ये तुम क्या बक रहे हो? वो कहता है कि तुम यहाँ पर चिल्ला रहे हो, काफी ज्यादा हल्ला कर रहे हो, जिसके कारण मेरी फीमेल डीमन काफी ज्यादा डर गई है। ये सुनकर वो जल्दी से अपने खारे फ्रूट को फेंक देती है और बैठ कर रोने का नाटक शुरू कर देती है कि तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सर काफी ज्यादा दर्द करने लगा है, मेरा चेस्ट भी दर्द करने लगा है, मेरा पैर भी दर्द करने लगा है, मेरा सब कुछ दर्द करने लगा है। ये देखकर विवाह का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि अब आखिर तुम्हें क्या चाहिए? किन्सु कहता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरा सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मुझसे चाहते हो और आज जबकि तुम खुद ही यहाँ पर चलकर मेरे पास आ गए हो तो तुम चुपचाप अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मुझे दे दो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो इम्पोसिबल है, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये सुनकर किन्सु गांव से पूछता है कि एक सन ऑफ गॉड को युवा शक में मारने का परिणाम क्या होगा। वो बताता है कि जहां तक मुझे पता है कि सभी के सभी सन ऑफ गॉड एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और आखिरी बचा हुआ सन ऑफ गॉड ही एक एम्परर बनेगा और ग्रेट एम्परर के पाथ पर चलेगा जिसे कि सभी लोग एडमायर करेंगे। और चूंकि ये कॉम्पिटिशन है तो कैजुअलिटी होना तो आम बात है, इसलिए इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर पर डिपेंड होना पड़ेगा। एक सन ऑफ गॉड को मार देने पर भी आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा। ये सुनकर किन्सु कहता है तो ठीक है, आज मैं एक सन ऑफ गॉड को मारकर तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखकर वेवा काफी ज्यादा डर गया होता है और वो कहने लगा होता है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, एम्परर और सन ऑफ गॉड का राइवलरी अभी एक दूसरे को मारने काटने से काफी ज्यादा दूर है और सभी के सभी सन ऑफ गॉड को उनका पावरफुल फैमिली बैकअप किए हुए हैं। अगर आज तुम मुझे मार देते हो तो तुम बाकी के सन ऑफ गॉड का आंखों का कांटा बन जाओगे और मेरे पीछे जो स्ट्रांग मैन है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। किन्सु कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पीछे सबसे स्ट्रांगेस्ट मैन एल्डर यांगमिंग है, मैं भी देखता हूँ कि उनसे कौन कम्पीट करने का हिम्मत करता है। ये बोलकर वो कहता है कि अब टाइम आ गया है, ये बोलकर वो इस पर हमला कर देते हैं जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वो आइलैंड के बाहर भी चला जाता है। वहीं पर उससे वेबा का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किन्सु कहता है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुम अपना सर्टिफिकेट को नहीं निकालते हो तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बोलकर वो गिनते गिनते उसके करीब जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है, तभी वो उस पर दोबारा अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो कहता है रुक जाओ मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए किन्सु रुक जाता है। वहीं पर ये सब देखकर वो सोच रही होती है क्या ये सब कुछ सच में सच है, 14th सन ऑफ गॉड इतनी आसानी से हार गया है और उसे उसका सर्टिफिकेट भी मजबूरन देना पड़ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये सब मेरी ही गलती है, मुझे शुरू से ही 18th सन ऑफ गॉड को डिस्पाइस नहीं करना चाहिए था, ये तो बाकी के सन ऑफ गॉड से काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने तो वो सब करके दिखा दिया है जो कि दूसरे बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं और किन्सु वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा सभी लोग उसे देखते हैं। वहीं पर झू वेबा यानी कि 14th सन ऑफ गॉड वहां पर बैठकर थोड़ा सा मेडिटेट करके अपने सर में से अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट निकालता है जो कि देखने में इंग्लिश का एस अल्फाबेट का आकार का होता है और वो गोल्ड का बना होता है जिसमें कि 14 लिखा होता है। किन्सु उसे लेकर कहता है कि हाथ में लेने से पता चल रहा है कि ये काफी ज्यादा भारी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें से ग्रेट ताओ फ्लो हो रहा है, ये तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये उसके बॉडी से निकला है तो कहीं इसका मतलब ऐसा एक मेरे भी बॉडी में हो सकता है। तभी 14 उठते हुए कहता है कि वो तुम्हारा हो गया है और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम्हारा करंट पावर तुम्हारे वर्दी बिल्कुल भी नहीं है, जितना ज्यादा पावरफुल तुम बनोगे तुम उतना ही ज्यादा खतरे में पड़ते जाओगे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी किन्सु उसे रोकते हुए पूछता है कि तुमने आखिर इससे अपने बॉडी से निकाला कैसे। वो बताता है कि ये सर्टिफिकेट सभी सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी का एक सिंबल है और सर्टिफिकेट और सन ऑफ गॉड के बीच में एक स्पेशल फीलिंग जुड़ा हुआ है, चाहे तुम इससे कितना ही दूर क्यों ना चले जाओ तुम उसे फील कर पाओगे, बस तुम्हें सिर्फ उसे अपने दिल से फील करने की जरूरत है। ये सुनकर किन्सु सोचता है कि मैं उसे फील कर सकता हूँ लेकिन मुझे अभी तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, आखिर मेरा वाला कहाँ पर रखा हुआ है। वहीं पर 14th काफी गुस्से में जाते हुए सोच रहा होता है कि युवान पल की मदद से तुम मेरा सर्टिफिकेट को चुराकर पूरी तरह से गुस्सा दिला दियो, तो क्या हुआ अगर तुम उसे मुझसे ले भी लिए हो लेकिन तुम फिर भी हमारे कनेक्शन को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाओगे, वो अभी भी मेरा है, तुम बस कुछ देर इंतजार करो मैं उसे वापस जरूर ले लूंगा, मैं उसे सिर्फ वापस ही नहीं लूंगा बल्कि मैं अपने ह्यूमिलेशन को खत्म करने के लिए तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। यही सोचते सोचते वो वहां से चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।